और क्या हाल चाल भाई लोग, तो स्वागत है नए वीडियो में। तो अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के प्रीव्यू के बारे में। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया का प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 क्या हो सकता है, मैच प्रिडिक्शन बताऊंगा और अपन डिस्कस करेंगे कि कितना ज्यादा अच्छा इंडिया को परफॉर्म करना चाहिए कि इससे टीम का मोमेंटम बने। तो लेट्स गेट इन टू इट। तो पहले अपन रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान अब तक 11 मैच खेले हुए, इसमें से 7 मैच इंडिया जीता हुआ है, 3 ड्रॉ हुआ है और 1 हारे हुए हैं। इस रिकॉर्ड में सब कुछ अच्छा है क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड बढ़िया है, 7 मैच जीतना अच्छी बात है और 3 ड्रॉ करना, केवल 1 मैच हारना। बट इसमें दिक्कत ये है कि इंडिया बाय मार्जिन से अभी रिसेंट टाइम में कभी भी नहीं हराया अफगानिस्तान को। जो भी बाय मार्जिन से हरा है बहुत पहले हरा है। तो रिसेंट टाइम आप देखोगे तो मोस्टली मैचेस चाहे 1-1 से ड्रॉ हुए हैं, चाहे 2-1 से इंडिया जीता हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान जैसी टीम को इंडिया ने बाय मार्जिन से नहीं हरा है। तो अब चलते हैं कि स्टार्टिंग 11 के बारे में बात करते हैं, क्या हो सकता है इंडिया के स्टार्टिंग 11, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इगोर स्टिमैच अच्छा एक सुटेबल स्टार्टिंग 11 चूज करें जो कि खतरनाक टीम बने और अफगानिस्तान को अच्छे तरीके से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे। तो बात करते हैं स्टार्टिंग 11। तो जहां तक मुझे उम्मीद है स्टार्टिंग 11 में अपने गोलकीपर गुरप्रीत सिंह ही होंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कुछ यहाँ पे चेंज आने वाला है। बिकॉज अगर मुझे पूछोगे तो यहाँ पे विशाल कैथ भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं, वो बहुत है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो मे भी नेक्स्ट मैच में आए, बट इस मैच में तो गुरप्रीत सिंह ही आ रहे हैं, तो अपन गुरप्रीत सिंह डाल देते हैं। ठीक है, तो अपने गोलकीपर हो गए गुरप्रीत सिंह। और अगर अपन लेफ्ट लेफ्ट बैक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आकाश मिश्रा आते हैं। आकाश मिश्रा इज द बेस्ट चॉइस। आकाश मिश्रा के अलावा मेरे दिमाग में कोई प्लेयर का नाम नहीं आ रहा है, तो आकाश मिश्रा तो होने ही चाहिए बिकॉज उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस अच्छा रहा है। इस सीजन थोड़े से कम हुए हैं बट स्टिल आकाश मिश्रा के अलावा मैं नहीं किसी प्लेयर को यहाँ पे देखता, तो यहाँ पे अपन आकाश मिश्रा को रख लेते हैं। और ऑब्वियसली सबको पता है कि सेंटर बैक अपने मेन सेंटर बैक संदेश झिंगन इंजर्ड है, तो उनको प्रोबेबल 25 के लिस्ट में नहीं लिया गया है। तो अगर सेंटर बैक की बात करें तो आई थिंक अनवर अली और सुभाषिस बोस के अलावा मैं किसी और प्लेयर को नहीं रख सकता, तो सेंटर बैक हमारे हो गए पहले अनवर अली। और दूसरे सेंटर बैक के बारे में बात करें तो सुभाषिस बोस। और राइट बैक के बारे में बात करेंगे तो निखिल पुजारी इज द राइट चॉइस फॉर द राइट बैक, क्योंकि ये कंटिन्यूअस इंडिया के लिए खेलते आ रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी सही है। तो अपन राइट बैक रखेंगे किसको, निखिल पुजारी को। तो ये भी अपने गोलकीपर गुरप्रीत सिंह, लेफ्ट बैक हुए आकाश मिश्रा, फिर दो सेंटर बैक हुए अनवर अली और सुभाषिस बोस, और अपने राइट बैक हुए निखिल। अब आपको पता है इगोर स्टिमैच का जो लाइनअप होता है वो होता है 4-2-3-1, मोस्टली ऐसे ही खेलते हैं और मैं श्योर हूं कि वो इसी रूल के हिसाब से जाएंगे, इसी लाइनअप के हिसाब से जाएंगे। तो अगर हम ये जब 4-2-3-1 के हिसाब से आप जाते हैं तो जो दो बंदे होते हैं वो डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह खेलते हैं। तो अगर आप डिफेंसिव मिडफील्डर की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि अपुइया से कोई भी आपके पास बेटर चॉइस है, तो यहां पे तो अपुइया ही होने चाहिए। अपुइया ही होने चाहिए। और दूसरे डिफेंसिव मिडफील्डर की बात करेंगे यहां पे इस पोजीशन में खेलने के, तो जिक्सन सिंह इज द बेस्ट चॉइस बिकॉज जिक्सन सिंह एक बढ़िया प्लेयर है, काफी क्रिएटिव प्लेयर है। सेम विद अपुया। अपुया क्या है, अपुया इतने क्रिएटिव प्लेयर है। आप देखोगे अपुया ऐसे प्लेयर है जब भी इनके पास बॉल जाता है तो होल्ड करते हैं और क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो ये एक अच्छा टैलेंट है। और मिडफील्डर के पास
जो डिफेंसिव मिडफील्डर होना चाहिए उनको दूर तक देखने की आदत होनी चाहिए और बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ दोनों पोजिशन पे अपुया और जिक्सन सिंह से कोई बेटर चॉइस नहीं अपने पास, तो यहाँ पे दूसरा अपना डिफेंसिव मिडफील्डर होने चाहिए जिक्सन सिंह। अब हमारे एक गोलकीपर गुरप्रीत सिंह, चार डिफेंडर और दो हमने डिफेंसिव मिडफील्डर डाल दिया। अब हमारे पास तीन अटैकिंग मिडफील्डर कह दोगे चाहे, क्योंकि वो मोस्टली जब भी खेलते हैं तो जब 4-2-3-1 का होता है तो अजय अटैकिंग मिडफील्डर के तरह खेलते हैं, और जो अपना आखिरी में जो स्ट्राइकर होता है एकदम फ्रंट के, उसको अच्छा बॉल सर्व करने की बात होती है, तो इसी रूल के हिसाब जाता है। तो मैं अगर लेफ्ट लेफ्ट विंगर की बात कर लो, लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर की बात कर लो वहां पर, तो मैं वहां पर देखता हूं छांगटे को, अब आ गई कि अटैकिंग मिडफील्डर के बारे में बात करते हैं। अटैकिंग मिडफील्डर अपना कौन हो सकता है, तो देखो यहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि बर्नार्डो फर्नांडिस को रखे चाहे अब्दुल समद को रखे। तो मेरे को क्या लगता है कि दोनों से आई थिंक स्टार्टिंग में समद को ही होना चाहिए और सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, बाद में फर्नांडिस आ सकते हैं। तो मैं अटैकिंग मिडफील्डर पर अभी के लिए रखता हूं किसको, समद को रखता हूं, और मे बी सब्स्टिट्यूट में ब्रेंडन फर्नांडिस को यहां पर भेजा जा सकता है। तो मैं यहां पर रखता हूं समद, ठीक है। अगर राइट साइड से अगर हम अटैकिंग मिडफील्डर की बात करें तो कौन हो सकता है, तो यहां पे मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस ये है कि महेश को रखा जाए, क्योंकि महेश इज अ फैंटास्टिक प्लेयर भाई। इनके पास भी क्रिएटिविटी बहुत है, बॉल को होल्ड करना है, ड्रिबल करना, तो ये सब कुछ है। महेश अभी थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अगर आप ISL मैच देखोगे तो, बट कंटिन्यूअस खेलते जा रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है और पहला मैच है, तो मैं महेश को ही रखूंगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। और भाई प्लेयर बहुत अच्छा है, कभी भी मैच को ये पलट सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पे महेश ही होने चाहिए। तो यहाँ पे महेश, अब बात आती है कि हमारे स्ट्राइकर कौन होने चाहिए, तो इसमें नो डाउट क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर से और यहाँ पे खतरनाक एक्सपीरियंस है ये, तो मैं यहाँ पे रखूंगा अपने सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री का आई डोंट थिंक सो कोई प्लेयर स्टार्टिंग लेवल में आना चाहिए यहाँ पे, तो अब देखो अगर मैं अपना लाइनअप देखे तो गोलकीपर में गुरप्रीत सिंह, लेफ्ट बैक हुए आकाश मिश्रा, फिर दो सेंटर बैक हुए अनवर अली, सुभाशीष बोस, और राइट बैक हुए निखिल पुजारी, और दो डिफेंसिव मिडफील्डर होने चाहिए अपुया जिक्सन, तीन अटैकिंग मिडफील्डर छांगटे समद और महेश, और अगर स्ट्राइकर की बात करें तो सुनील छेत्री, क्योंकि इगोरेस्ट मैच का मोस्टली मैचेस देखोगे तो ऐसे जाते हैं 4-2-3-1 इसी हिसाब से जाते हैं। बट एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैं श्योर हूं कि अगर स्टार्टिंग 11 में सुनील छेत्री को तो होना ही चाहिए, बट मैं श्योर हूं कि इगोरिस्ट मैच को जरूर विक्रम प्रताप सिंह को मौका देना चाहिए एज अ सब्स्टिट्यूट आफ्टर 60 मिनट्स। 60 मिनट आप सुनील छेत्री को खेलने दो, उसके बाद विक्रम प्रताप सिंह को मौका मिलना चाहिए। जिस फॉर्म में चल रहे हैं, फॉर्म बहुत मैटर करता है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, तो प्लेयर का वो चीज दिखता है पिच पे, तो विक्रम प्रताप सिंह को जरूर चांस मिलना चाहिए एज ए सब्स्टिट्यूट। तो ये मेरा स्टार्टिंग लाइनअप है, आपका स्टार्टिंग लाइनअप है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप मेरे से प्रिडिक्शन के बारे में पूछेंगे तो मेरा ये है कि कुछ भी हो जाए इंडिया को एक काम करना चाहिए कि इंडिया भले ही कम गोल मार्जिन से हारा है लेकिन इंडिया को गोल नहीं खाना है।
तो मेरा प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया जीतेगी 2-0 से, 2-0 मेरा प्रिडिक्शन है। आपका क्या प्रिडिक्शन है? क्योंकि इसके पीछे देखो रीजन है, हम अगर ज्यादा गोल मार्जिन से जीते और हम गोल खा जाए वो अच्छी बात नहीं है, गोल हमें नहीं खाना है, गोल हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा डिफेंसिव लाइन अच्छा होना चाहिए। 2-0 से जीतना एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, काफी डोमिनेटिंग रिजल्ट है। अगर आप सामने वाले को गोल न मारने तो आप खुद गोल मार दे। और सबसे बड़ी बात, ये गेम इंडिया का डिफेंस और स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंडिया को ऑब्वियसली बॉल पोजीशन ज्यादा होगा, इंडिया मोस्टली बॉल पोजीशन रखेगी, विद द क्रिएटिविटी पासेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, बट अफगानिस्तान अटैक करेगा, काउंटर अटैक करेगा, तो काउंटर अटैक से हमें बच के रहना है, उसके लिए हमें डिफेंस को तैयार रहना पड़ेगा। अगर हमसे बॉल मिस पास होता है, पोजीशन लूज होता है, तो वो काउंटर अटैक पे जाएंगे और उनकी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, वो इंडिया को बॉल आराम से खेलने देंगे, पोजीशन रखने देंगे, बट काउंटर अटैक पे हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी टीम जब एक माइंडसेट से जाती है, एक प्लान से जाती है कि हाँ कोई सामने वाली टीम स्ट्रांग है, तो वो उनका प्लान ही यही होता है कि उनको खेलने दो, खेलने दो, खेलने दो, कभी तो बॉल पोजिशन लूज करेंगे, फिर वो काउंटर अटैक पे जाएंगे, लॉन्ग बॉल खेलेंगे, तो वहां पे हो जाती है इंपॉर्टेंट अपने डिफेंडर्स को कि उस चीज को मेंटेन करे, मैनेज करे। तो मोस्ट प्रोबली मेरा यही है कि 2-0 से इंडिया हराए, ये एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। अगर 2-0 से इंडिया हराती है तो, अगर गोल ना खाए तो। आपका क्या प्रेडिक्शन है? आपका स्टार्टिंग लाइनअप में कौन होना चाहिए जैसे मैंने इन प्लेयर को चूज करा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।